तो गाइज आप देख सकते हो मोटो होम एक नया प्रोजेक्ट अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, और ये है जो मैंने थार दिखाई थी आपको सबसे पहले 3 साल पहले, वो सचिन जी SP डिज़ाइन, सचिन सर ने पूरा खुद डिज़ाइन किया हुआ वैन है ये। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से बाहर से और ऊपर से भी, ऊपर पूरा उन्होंने टेरेस बनाया हुआ है जहाँ पे बैठ के चिल मार सकते हो, और बस जो है काफ़ी सुंदर है, और ये इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट है। बट अभी इंडिया में जो है वो कैंपिंग कल्चर काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, लोग कैंपिंग करते हैं बहुत, और जिसको फैमिली के साथ घूमने जाना है और जिसको होटल में स्टे नहीं करना है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। मतलब आपको बस कपड़े लेके आना है और रख देने हैं, और बस उसके बाद आपको कुछ नहीं, रिलैक्स करना है। आपको जो स्पॉट पे जाने का आप जा सकते हो, जैसे कि अभी देख सकते हो हम लोग MTDC की एक प्रॉपर्टी पे आए हुए हैं जो काफ़ी सुंदर है। अगर वो वीडियो देखने रहेगा आपको तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में डाल दूंगा। नासिक की प्रॉपर्टी है, काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी है ये। कुछ नहीं, आपको बस कपड़े लेके आना है और बस रहना है इसमें। आई होप मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी आपको। आपको बस दिखाता हूँ मैं पूरी, और अंदर भी दिखाता हूँ, तब तक एक बस का ओवरऑल व्यू देख लीजिए आप। तो आज हमें ये गाड़ी दिखाने वाले, गाड़ी की पूरी केयर करते हैं, तो चलिए गाड़ी के अंदर जाते हैं। अभी काफी हेवी डोर है इसमें भी, एकदम सुंदर पूरा एक घर की तरह है। जिन्होंने जो नाम दिया है मोटो होम, वो एक्चुअली पूरा घर ही है। तो दोस्तों ये था वो गेट जहाँ से मैं आया। पहले आपको पूरी बस का एक पूरा फुटेज दिखा देता हूँ, फिर आपको बता दो एक एक चीज की क्या क्या है और आप क्या क्या कैसे यूज कर सकते हो। देख ली बस कैसी है, तो आपको आपको दिखाता हूँ एक एक चीज। ये जो डोर है यहाँ से हम अंदर आए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगी टीवी। बस में 2 TV है, 1 TV में 2 TV है। आपको मिलेगा सोफा, काफी कंफर्टेबल है सोफा भी, और एक आपको बड़ा सोफा मिल जाएगा वो भी एक काफी अच्छे व्यू के साथ। तो गाइस देख सकते हो आप पूरा एक हमें रोड का, बाहर के व्यू का भी एक अच्छा सा व्यू मिल रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं इन्होंने विंडो काफी अच्छी बनाई हुई है, और पूरी वैन है वो पूरी AC वैन है। सोफा भी काफी अच्छा है, इसपे आप सो के भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो के जा सकते हो। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बेड कैसे होता है। तो नीचे एक कारपेट है जो हमने हटा दिया अभी। ओके, ये लॉक खुल गए, बस इतना। तो गाइस देख सकते हो ये बेल्ट से आप ऊपर निकले, ये पूरा लेवल बन जाएगा। अब हम ये नहीं खोलेंगे क्योंकि फिर बंद करो ये वो, तो आप ये बंद कर दीजिए। तो अब ये हुआ कि ये पूरा बेड बन जाता है और आप यहाँ पे सो सकते हो। अब ये लॉक कर रहे हैं, स्विचेस देख सकते हो आप पूरे, इन्होंने स्विचेस दिए हुए है, पूरे मॉडर्न स्विचेस है। फोन के लिए चार्जर, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, पहले का सामान रखने की जगह, सैनिटाइजर की मशीन रखी है क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो सैनिटाइजर इंपॉर्टेंट है। बट आप अपने टॉवेल्स, अपने क्लोथ्स वगैरह रख सकते हो, और ये हो गया बंद। और यहाँ पे और एक जगह है जहाँ पे आप स्टोरेज रख सकते हो, इसकी तरफ मैं बाद में आऊँगा, पहले आपको बाकी की वैन दिखाता हूँ। तो अभी सुंदर कारपेट रखा है इन्होंने, यहाँ पे आपको एक पूरा मिरर मिल जाता है जहाँ पे आप अपना मेकअप वगैरह कर सकते हो, और पूरे इसको लाइटिंग भी आएगी, मतलब ये शूटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप, अगर शूटिंग के लिए यूज़ करना है तो। और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसकी,
जबरदस्त। और आपको और एक सोफा मिल जाएगा यहाँ पे, एक सोफा, एक सोफा चेयर, और एक सोफा चेयर यहाँ पे दो जन बैठ सकते हैं। फिर आपको मिलेगा और एक मिरर, जहाँ पे आपको और एक टेबल जैसा मिल जाएगा, एक टेबल हो गया ये बीच में, एक और एक सोफा, पूरा आपको मतलब घर की फीलिंग देने वाला है। एक टीवी हो गया, एक टीवी और एक वहां पे, मतलब टोटल दो टीवी है आपके पास, और दोनों भी शायद एक ही बार में एक ही चलता है। और आपको दिखाता हूँ घर का किचन। तो गाइस देखिए, ये है पूरा घर का किचन विद चिमनी। गाइस देखिए, इतनी मतलब बाहर से लगा कि क्या होगा वैन में, बट सीरियसली यहाँ पे आपको वॉश बेसिन भी मिल जा रहा है, यहाँ पे मिरर आएगा एक, अभी तक था तो बाकी है थोड़ा, और यहाँ पे सब रखा हुआ है एक्सेसरीज पूरा। आप देख सकते हो कि पूरा इसमें किचन गैस पूरा दिया हुआ है, फिर भी ऊपर काफी जगह है चिमनी की रखने के बाद भी। ओ, और ये रहा गाइस फ्रिज। वाओ, मतलब आपको पूरा एक घर का एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये हो गया किचन ट्रॉली, वो काफी बढ़िया। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बस के अंदर हूँ, और जो एक नॉर्मल घर में किचन होता है ना, ये वैसा पूरा किचन है इधर। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा चिमनी, गैस, फ्रिज, इन्होंने सब दिया हुआ है। आपको अगर कुछ कुक करना है तो आप इधर भी पूरा प्रॉपर कुक कर सकते हो, काफी सुंदर बनाया हुआ है ये। एक हो गया, यहाँ पे एक सोफा नहीं, सोफा कम बेड है, जैसे पूरा खुल जाएगा, अभी इसके लिए मैं हिलाना पड़ेगा। ये हो गया। और दूसरा चीज, अगर आपके पास वो जो है, आपने देख लिया पूरा गैस आपको मिल गया, जब भी आपका गैस खत्म हो गया उसके बाद एक बाटला आता है सिलेंडर का, आपको रिफिल करना होता है। अगर वो खत्म हो गया तो सबसे बेस्ट पार्ट प्रेस्टीज का इंडक्शन, तो इस पे आप कभी भी मतलब कभी भी कुछ खाना गर्म करना हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, आपको कोई गैस की जरूरत नहीं। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा फोल्ड हो जाता है एकदम बढ़िया। और ये हो गया हमारा ओवन। तो गाइस, खाना गर्म करने का तो टेंशन ही खत्म हो गया, एक तो फ्रिज हो गया मतलब चीजें ठंडी रहेंगी, और दूसरा हो गया ये ओवन। ओवन भी मिल रहा है, पूरा इनका सेटअप है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है टीवी का डीवीआर है, तो यहाँ पे टीवी के पोर्ट है, यहाँ पे बटन से पूरे, और बटन जो आप देख सकते हो पूरे सब डिजिटल बटन यूज किए हुए हैं। और एक हमारा प्लेटफॉर्म है, या प्लेटफॉर्म पे आप स्टोरेज रख सकते हो कुछ भी। और अभी तो यहाँ पे फिलहाल वाइन के ग्लास है, क्योंकि हम लोग नासिक में आए थे, यहाँ पे आपको पता है ये वाइन काफी फेमस है यहाँ पे, यहाँ पे सुला वाइन ज्यादा फेमस है, बट उससे भी और बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसलिए वाइन के लिए निकाले थे हमने। तो ये देखिए कुछ ऐसे दिखता है ये, और काफी सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे जो है एसी का वेंट भी है, अभी जो है एसी बंद है क्योंकि गाड़ी जगह पे खड़ी है, काफी लोगों ने शूट किया, तो मैंने जाए तो मैं फटाक से शूट कर लेता हूँ, एसी भी चालू करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसी के ब्लोअर्स है, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हर जगह पे आपको ब्लोअर्स मिल जाएंगे। खूब तो दोस्तों देखिए, ये पूरी आपको एक बड़ी सी जो कार में, अब अगर बस में मिस कर रहे हो कि आपको लग रहा है बस पूरी तरह से पैक है, जैसे वैनिटी वैन पूरी पैक आती है, वैसे नहीं, आप बाहर का भी सीन का मजे ले सकते हो। और काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, और कुछ टेबल इस प्रकार दिख रहा है, और टेबल पे अभी सब चीजें रखी हुई है, ये हमने फोटोशूट के लिए रखा था इसलिए। ये है गिटार, ये सोफा कम बेड, और आपको मिलेगा और एक यहाँ पे टेबल बैठने के लिए। तो कुछ इस तरह दिखती है ये वैन, आप देख सकते हो, एक सोफा, दो सोफा, तीन, चार, पांच, छ, किचन। अब आपने सोच लिया रहेगा कि आपने तो सब दिखा दिया यार, किचन दिखा दिया, घर का पूरा ओवन, माइक्रोवेवन सब दिखा दिया, फ्रिज दिखा दिया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम सुबह उठने के बाद करते हैं वो किधर है, वो आपको मैं दिखाता हूँ।
तो वो यहाँ पे जहां से हमने अभी एंट्री की ये वहां से ही है ये। तो चलिए आपको दिखाता हूँ अंदर। तो दोस्तों ये है बाथरूम, आप देख सकते हो आपको शॉवर मिलेगा, उसके साथ अलग अलग मोड है। यहाँ से भी आप देख सकते हो आउट के लिए है, पूरा कॉक सिस्टम दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात, सचिन सर ने पूरा जैगवार का यूज किया हुआ है, मतलब आप सोच सकते हो क्वालिटी में कोई मतलब जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, क्वालिटी अच्छी यूज की गई है। यहाँ पे आपको एक और एक वॉश मशीन मिल जाएगा, एक मैंने आपको किचन में दिखाया था। और जो मिरर देख रहे हो एलईडी फिट है और मिरर काफी सुंदर लग रहा है। उसके बाद सबसे काम की चीज कमोड, तो इन्होंने पूरा प्रॉपर टॉयलेट दिया हुआ है, टिश्यू पेपर का सेटअप है, काफी अच्छी खासी जगह है, आप देख सकते हो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें। और यहाँ पे आपको गर्म पानी पूरा, यहाँ पे उन्होंने पूरा सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो आपको जो से चाहिए वैसे। टाइमर, हीटर, हीटिंग, वाव, ये वेंटिलेशन के लिए वॉल्स रखे हैं। तो ये हो गया पूरा एक प्रॉपर टॉयलेट, और जो हैंडल्स है वो भी काफी अच्छी फिनिशिंग है इसकी। तो ये तो हो गया बस के अंदर का, अब आपको बस के बाहर का दिखाता हूँ। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने के लिए वो एंट्री का डोर तो मैंने आपको दिखा दिया पीछे, और अभी बस के ऊपर जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा केबिन के अंदर से। तो गाइस देखिए ये बस का केबिन, अभी इन्होंने हमारे लिए गाड़ी ऑन रखी है क्योंकि हम अभी शूट कर रहे थे, तो वो जैसी दिखती है। और हम वहां से अंदर आए थे और अभी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पूरा स्टेयर्स बनाया हुआ है। जो ऊपर का असली मजा है ना वो ऊपर का है, मैं जब से बोल रहा था कि गाड़ी का फायदा इस चीज का है कि वो, तो ये पीछे जो है वो डैम है नासिक का। और आपको मेन चीज दिखाता हूँ जो मैं ऊपर आ चुका हूँ, वो है ये। गेट बंद कर देते हैं हम, गेट बंद कर सकते हो फिर हिलेगा नहीं। तो गाइस देखिए पूरा सेटअप है, यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ चिल कर सकते हो। नीचे इन्होंने पूरी वो ग्रास लगाई हुई है, आर्टिफिशियल ग्रास, जो काफी अच्छा और प्रीमियम फील दे देती है। और ये रहे एसी वेंट, जो मैंने इसी की बात कर रहा था, जो अंदर की साइड है, तो इतना ही कवर हो रहा है और हमें इतनी जगह मिल रही है, और मोर देन इनफ जगह है। यहाँ पे छोटे टेबल है, बड़ा टेबल भी डाल लेते, छह लोग भी आराम से बैठ जाएंगे। काफी हवा आ रही है, आई डोंट थिंक सो मेरा ऑडियो ठीक से आ पाता रहेगा, तो अभी नीचे जाते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कैरावैन? सीरियसली बोलूं, अगर फैमिली के साथ घूमने जाना है तो ये काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। और ये रेंट पे ही देने वाले हैं, ये पूरी जो मोटो होम है पूरा सब रेंट पे ही देने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, कपड़े लेके आने हैं बस आपको, बाकी तो ये लोग यही आपके साथ ही रहेंगे, पूरे गाड़ी की केयर यही करेंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आना है कपड़े लेके और बस यहाँ पे अपना घर बना लेना है। तो आपको अगर 10 दिन का भी कोई लॉन्ग टूर ट्रैवल करना है तो बस आइए, बस में बैठिए, घूमिए, जो स्पॉट पे जाना है स्पॉट इंजॉय कीजिए। उसके बाद जो रात में आप होटल में सोते हो वो टाइम बच सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपको जो सोना ही है तो उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो। तो जो भी अगर 100 किलोमीटर्स हो गया, 200 किलोमीटर्स हो गया, वो आप रात में कवर कर सकते हो। मुझे बताइए प्लीज़, कमेंट कीजिए, ये आप कभी भी रेंट पे ले सकते हो। आपको मैं नीचे नंबर दे दूंगा, और ये मुझे होम थिएटर का रिमोट मिल गया है एक, जिसे आप होम थिएटर एक्सेस कर सकते हो। और देखिए मैं कितने रिलैक्स से बैठा हूँ। और अगर आपको देखना है कि रनिंग में ये बस कैसी परफॉर्म करती है और अंदर कैसा फील होता है, तो उसके लिए मैं चैनल पर दूसरा वीडियो डाला है मैंने, जिसमें मैंने बस के अंदर से हमने ट्रैवल किया है, वो चेकआउट कीजिए, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि रनिंग में बस का एक्सपीरियंस कैसा है। मैं तो बोलूँ काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है, जो एसी चालू होती है ना एकदम चिल्ड, बस आपको सोना है और उससे डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे जाना है। फोटोग्राफी करने तो इतनी बड़ी विंडो है, आप फोटोग्राफी कर सकते हो, टाइम पास मूवीज देख सकते हो। इस बस की खासियत यह है कि दोनों टीवी पे एक ही मूवी चलेगा, मतलब आपकी अगर पूरी बड़ी फैमिली हो कोई यहाँ से भी मूवी देखती है, वहाँ से भी देख सकता है, वहाँ से भी देख सकता है, कोई इश्यू नहीं है। एक टीवी ये हो गया, दूसरा टीवी उधर हो गया, चिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नया स्टार्टअप है इनका, तो इनको, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इनका प्रोजेक्ट, इसलिए मैं खुद
आया यहाँ पे इनके साथ MPTC के एक प्रॉपर्टी पे, इन्होंने इनका जो टाइप है MPTC के साथ है, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे, वैनिटी में बहुत मज़े किए, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी। होपफुली आपको अच्छा लगा, आप किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, फैमिली के साथ, तो आप जा सकते हो। तो वीडियो के नीचे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, मैं वीडियो में भी नंबर डाल दूंगा, उसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो गाइज मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।